वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ज़िंदगी की शुरुआत कैसे करें। तो दोस्तों ये मेरी यूट्यूब चैनल पे दोस्तों सबसे पहली वीडियो है, तो दोस्तों इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो दोस्तों हम बात करते हैं ज़िंदगी की शुरुआत कैसे करें। तो दोस्तों छोटी से छोटी चीज़ें जैसे एक अच्छा खाना, दोस्तों का अच्छा साथ या एक अच्छे सुंदर दिन, इन सब के लिए धन्यवाद कहना। मतलब दोस्तों छोटी छोटी चीज़ें जैसे दोस्तों आपका इतना अच्छा शरीर है, किसी के पास दो हाथ नहीं होते हैं दोस्तों, तो दोस्तों भगवान को शुक्रिया अदा करना। अगर दोस्तों आपका भला होता है तब भी दोस्तों आपको भगवान से कहना चाहिए कि भगवान आपने मुझे दो हाथ दिए, दो पैर दिए, उसके लिए प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों पहली हमारी स्टेज होती है ये, दोस्तों आपको सुबह उठ के ये काम करना चाहिए। दोस्तों आपको खुद से प्यार करना चाहिए। दोस्तों सबसे पहली बात दोस्तों, अपने माँ बाप से तो सभी लोग प्यार करते हैं, लेकिन दोस्तों खुद से कोई प्यार नहीं करता है। सबसे पहले दोस्तों आपको खुद से प्यार करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों मरते वक्त दोस्तों आपका शरीर आपका साथ नहीं छोड़ता, लेकिन दोस्तों सभी लोग साथ छोड़ जाते हैं। ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, रोज़ कुछ समय निकालें और वो काम करें जो आपको पसंद है। चाहे दोस्तों जो काम करें जो दोस्तों आपको पसंद है, लोगों से अगर दूर रहना आपको पसंद है तो दोस्तों लोगों से दूर रह के काम कीजिए। अगर आपको किताब पढ़ना पसंद है तो दोस्तों किताब पढ़िए। अगर दोस्तों संगीत सुनना पसंद है तो संगीत सुनिए। दोस्तों आप कम से कम 1 घंटे वॉक कीजिए, मतलब दोस्तों टहलना। अगर दोस्तों आपको टहलना पसंद है तो टहलिए। अगर दोस्तों आपको जॉगिंग पसंद, जो भी पसंद है वो दोस्तों काम कीजिए। अब दोस्तों हम तीसरी बात करते हैं, आपको खुश रखता है और आपकी ऊर्जा बढ़ाता है। सफल होने के लिए व्यक्ति को हमेशा अपनी सोच सकारात्मक रखनी चाहिए। अगर दोस्तों आपके साथ कुछ गलत होता है या फिर कुछ सही होता है, तो दोस्तों अगर आपके साथ सही होता है तो दोस्तों आप लोग बोलते हो भगवान ने मेरे साथ कुछ अच्छा किया। अगर बुरा होता है तो दोस्तों आप बोलते हो भगवान ने मेरे साथ ये अच्छा नहीं किया, भगवान बेकार है। अगर दोस्तों आपके साथ कुछ भी सही हो या फिर बुरा हो, लेकिन दोस्तों आपको अपनी सोच सकारात्मक ही रखनी है। तो दोस्तों आपको हमेशा अच्छा सोचना, अच्छा खाना, अच्छा पहनना है। दोस्तों हम चौथी बात करते हैं, खुद पर कॉन्फिडेंस बनता है। जब दोस्तों आप सकारात्मक सोचते हैं तब दोस्तों आप पर कॉन्फिडेंस बनता है कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ। इसलिए दोस्तों आपको हर समय सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। और दोस्तों अपना लक्ष्य आसानी से प्राप्त हासिल कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपका कॉन्फिडेंस होगा, अगर आपको विश्वास होगा हाँ मैं ये कर सकता हूँ, तो दोस्तों आप अपने लक्ष्य को आसानी से हासिल कर सकते हो। वरना दोस्तों अगर आपका विश्वास नहीं है कि मैं ये चीज़ याद नहीं कर सकता या फिर मैं ये काम नहीं कर सकता, तब तक दोस्तों आप पर वो काम होगा नहीं, इस बात की मैं दोस्तों गारंटी लेता हूँ। उसके बाद है दोस्तों, काम की शुरुआत में ही अगर आप अपने आप को सफल समझ लेते हैं तो दोस्तों वो काम आपका निश्चित ही सफल नहीं होगा। अगर दोस्तों आप अपने आप को समझ लेते हैं कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, वो दोस्तों निश्चित ही वो दोस्तों आप पर काम नहीं होगा। तो दोस्तों मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ, दोस्तों आप अच्छा खाना खाइए, अच्छा पहनिए, दोस्तों सुबह उठ के अच्छे काम कीजिए, और दोस्तों सभी को अपनी धन्यवाद कहिए। चाहे कोई भी अच्छा आपके साथ करता है या बुरा करता है, तब भी दोस्तों उसको धन्यवाद कहना सीखिए। बुरा करता है तब भी और अच्छा करे तब भी आप दोस्तों उसको धन्यवाद कहना सीखिए। और दोस्तों दूसरी बात है, आप दोस्तों सुबह जो आपको काम पसंद है वो कीजिए, टहलना फहलना वो होता है। उसके बाद दोस्तों आपको अपनी सोच सकारात्मक रखनी चाहिए। उसके बाद है दोस्तों आपको अपने लक्ष्य के बारे में सोचना चाहिए, हाँ मैं ये कर सकता हूँ। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगेगा, दोस्तों वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों एक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों इस मेरे चैनल पर नई वीडियो है, तो दोस्तों अब हम लेके आएंगे 4 दिन बाद रिच डैड पुअर डैड। दोस्तों जिंदगी की शुरुआत से लेके अंत तक आपको पैसे के बारे में दोस्तों बहुत दिक्कत होती है। तो दोस्तों पैसा कैसे कमाया जाता है, पैसे की वैल्यू कैसे की जाती है, पैसे को अपनी ओर आकर्षित कैसे किया जाता है, वही चीज हम दोस्तों इस पूरे YouTube चैनल पर चलेगी। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों वीडियो के एंड तक वॉच करने के दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।